सबसे पहले बड़ी खबर, सिंगर फाजिल पुरिया से ईडी ने पूछताछ की। यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ा ये पूरा केस है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। 8 घंटे तक लखनऊ दफ्तर में पूछताछ हुई है। 23 जुलाई को एल्विश से पूछताछ होगी। एल्विश यादव, सिंगर फाजिल पुरिया और सांपों के कनेक्शन पर ईडी लखनऊ यूनिट ने फाजिल पुरिया से करीब 8 घंटे तक लखनऊ दफ्तर में पूछताछ की है। ईडी ने एल्विश यादव को भी सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन एल्विश यादव की ओर से बताया गया कि वो विदेश में हैं और करीब 15 दिनों की मोहलत मांगी गई। अब एल्विश यादव को 23 जुलाई को ईडी ने तलब किया है। फाजिल पुरिया के जवाबों को वेरीफाई एंड क्रॉस चेक किया जाएगा। माना जा रहा है कि फाजिल पुरिया के चर्चित गाने में जो सांप दिखाए गए हैं वो एल्विश यादव के जरिए ही सप्लाई किए गए थे। एल्विश यादव, सिंगर फाजिल पुरिया और सांपों के बीच का क्या कनेक्शन है, यही पता करने के लिए ईडी ने सोमवार को 8 घंटे तक फाजिल पुरिया से पूछताछ की। हालांकि कल ही एल्विश यादव को भी ईडी ने बुलाया था ताकि फाजिल पुरिया और एल्विश यादव को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सके, लेकिन एल्विश यादव विदेश में थे और उन्होंने 15 दिन की मोहलत मांगी, लिहाजा अब एल्विश यादव को 23 जुलाई को लखनऊ ईडी दफ्तर आना होगा। चर्चा ये भी है कि कल 8 घंटे की पूछताछ में ईडी के सवालों के जो जवाब फाजिल पुरिया ने दिए हैं उसी जवाब के आधार पर अब एल्विश यादव से पूछताछ होगी, यानी होगा वेरिफिकेशन। ये माना जा रहा है कि फाजिल पुरिया के एक गाने 32 बोर में जो सांप दिखाए गए हैं उसकी सप्लाई एल्विश यादव के जरिए हुई है। एल्विश यादव इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भी भेजे जा चुके हैं, तो वहीं फाजिल पुरिया गुरुग्राम से सांसदी का चुनाव लड़े और उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। लेकिन ईडी एक एक कड़ियां जोड़कर पूरी कहानी गुनने के लिए तैयार बैठी है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ।